सन 2019 में 14 फरवरी को जहां पूरे देश में युवा पीढ़ी वैलेंटाइन डे मना रही थी, वहीं दूसरी ओर देश के रक्षकों के ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि वे घर लौटेंगे या नहीं। देश के सभी युवा वैलेंटाइन के जश्न में डूबे हुए थे। वहीं देश के 40 जवान देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा रहे थे। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए अलीगढ़ से गोवर्धन आए श्रद्धालुओं ने मोमबत्ती जलाकर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं मीडिया से बात करते हुए समाज सेवी सौरभ द्वारा बताया गया कि ये वैलेंटाइन डे हमारे भारतीय कल्चर का हिस्सा नहीं है, मगर कुछ भारतीयों के द्वारा त्योहार को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये दिन हमारे भारत के इतिहास में काले दिवस के रूप में मनाया जाता है और वे इसे हमेशा काले दिवस के रूप में मनाएंगे। जो लोग इस दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं वो भारतीय नहीं विदेशी हैं। सौरभ जी, जैसा कि आज आपने यहाँ पे कैंडल मार्च किया है, किस उपलक्ष्य में किया और क्या कहना चाहिए? जी, ये हमारे 14 फरवरी का ही दिन था जब अचानक से खबर मिली कि हमारे देश के कुछ वीर जवान, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर सुरक्षित रह पाते हैं अपने देश के अंदर, वो पुलवामा अटैक में शहीद हो गए। तो ये आज का जो प्रोग्राम है उन्हीं की याद को लेकर उनकी श्रद्धांजलि देने के उपलक्ष्य में रखा गया है। जैसा कि आज पूरा देश वैलेंटाइन डे मना रहा है और आप आज ब्लैक डे मना रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं कि मोहब्बत करना वो भी जानते थे, जो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कोई अपने बाप से प्यार करता है तो कभी कोई अपनी माँ से प्यार करता है, तो वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर हमारे लिए देश की सरहद पर हमारे लिए लड़ रहे थे। और मैं जो भी वैलेंटाइन डे मनाते हैं उनके बारे में कहूँगा कि शायद उनके रगों में खून हिंदुस्तान का नहीं है। जो भी वैलेंटाइन डे मनाते हैं उनके मतलब रगों में जो खून है ना, वो या तो पाकिस्तानी है या कहीं बाहर का है, विदेशी खून है, हमारे हिंदुस्तान का खून नहीं हो सकता। जो भी आज के दिन वैलेंटाइन डे बनाएंगे, हमारा ब्लैक डे है और ब्लैक डे ही रहेगा। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? मैं सत्येंद्र, अलीगढ़ से आया हूँ। यहाँ पे जैसे कि आपने आज कैंडल मार्च किया है पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर उनके विरोध में, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? उस पर हमको दुख है अपने भाइयों का जाने के लिए, और हम भी चाहेंगे कि ऐसा कभी ना हो हमारे साथियों के साथ में, और हम इसका बदला लेंगे फिर से।